हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन डस्ट का इस्तेमाल करके ब्लॉक प्रिंटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये वुडन ब्लॉक्स लिए हैं। आप किसी भी क्राफ्ट स्टोर से ये ब्लॉक्स खरीद सकते हैं। अगर आपको स्टोर्स पे नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का हमें एक कंटेनर भी चाहिए होगा ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, जिसमें हम कलर मिक्स करेंगे। और ब्लॉक्स को यूज़ करने से पहले आपको ओवरनाइट इन्हें सरसों या तिल के तेल में डुबो के रखना है और बाद में इनको कपड़े से पोंछ के ही यूज़ करना है। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मैं ये फेविक्रिल का गोल्डन डस्ट पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है और इसके साथ मिक्स करने के लिए मैं ये मीडियम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा फॉर्म का टुकड़ा भी साथ में हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कलर को सोक करेंगे। जिस सरफेस पे आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है उस पर आप काफ़ी सारी पुरानी चादरों की लेयर बिछा लीजिए, ताकि थोड़ा सा गद्देदार हमारा सरफेस हो जाए। अब हम इस कंटेनर में कलर मिक्स करेंगे। तो ये गोल्डन डस्ट हमने ले ली है और साथ में ये मीडियम हम इसके अंदर डालेंगे और इसे लिक्विड फॉर्म में हमें बनाना है। तो ये जो मीडियम है, ये बहुत ज़्यादा भी आप मिक्स ना कीजिए, क्योंकि फिर गोल्डन डस्ट कम पड़ जाएगी और जो गोल्डन कलर होगा सरफेस पे वो इतना ब्राइट और इतना अच्छा नहीं आएगा अगर हमारी गोल्डन डस्ट कम और मीडियम ज़्यादा होगा तो। अब ये एक फॉर्म का पीस है, जिसे हम डबल करके इस तरीके से कट कर लेंगे और अब इस कलर को हम इस फॉर्म के अंदर अच्छे से सोक कर देंगे। इस तरीके से अब जिस भी कपड़े के ऊपर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी हो उसे अच्छे से धोकर प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी स्टार्च निकल जाए और हमारा कलर ज़्यादा लंबे टाइम तक उस पर स्टे कर सके। अब जिस स्पंज पे हमने कलर डाला था उसके ऊपर ब्लॉक को अच्छे से प्रेस करना है, यानी दबाना है, और फिर कपड़े के ऊपर इसे रख के प्रेस करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। एक और ब्लॉक हम लगा कर देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको स्पंज के ऊपर दबाएंगे और इस तरीके से कपड़े के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, अगर आप इसको ओवरनाइट तेल में नहीं डुबो के रखोगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नया ब्लॉक यूज़ करने से पहले उसको एक बार ऑयल में डुबो कर रखना है ओवरनाइट। ये देखिए, हम एक और ब्लॉक लगाकर देख लेते हैं। गोल्डन और सिल्वर कलर के जो पेंट्स होते हैं उनसे ब्लॉक प्रिंटिंग डार्क कलर के कपड़े पर बहुत अच्छी आती है, जैसे ब्लैक या नेवी ब्लू। लाइट कलर के कपड़े पर उतनी नहीं उठती। ये देखिए, रेड कलर के कपड़े पर भी हम करके देख लेते हैं। एक डिफरेंट डिज़ाइन का मैंने ब्लॉक लिया है। ये सिर्फ सैम्पल के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पूरे बड़े दुपट्टे भी तैयार कर सकते हैं या सूट्स तैयार कर सकते हैं, कुर्ते तैयार कर सकते हैं, इवन कुशन कवर्स और चादरों को भी तैयार कर सकते हैं। इसको करना बहुत ही इजी होता है और बहुत ही मज़ेदार ये प्रोसेस होता है। ये देखिए कितना इजीली हमारे ब्लॉक्स इसके ऊपर हो रहे हैं। अब अगर आपको पोल का डॉट्स बनाने हो छोटे छोटे, तो उसके लिए एक ईजी ट्रिक है। ये ईयरबड ले लीजिए और इसको कलर में इस तरीके से डिप करना है और इसको कपड़े के ऊपर लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर इसमें बहुत अच्छे से लगा हो। ये देखिए, अगर हल्का कलर होगा तो कपड़े पर नहीं लगेगा। कलर में इसको अच्छे से डिप करके, ये देखिए, जहाँ जहाँ आपको डॉट्स लगाने हैं वहाँ वहाँ लगाते जाएं और इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे, जिनको आप फिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में। ये देखिए, ये शिफॉन के कपड़े पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ब्लॉक प्रिंटिंग का इफ़ेक्ट कैसा आता है। ये देखिए, शिफॉन के कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा बहुत अच्छे से प्रेस किया हुआ हो, क्योंकि इस कपड़े में रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं।
इस वजह से अगर रिंकल्स होंगे तो ब्लॉक्स बिल्कुल अच्छे से नहीं लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम शिफॉन के कपड़े पर भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी तरह से ये मैं एक पैच तैयार कर रही हूँ नेक पे लगाने के लिए। ये देखिए, एक बार आपका अगर हाथ जम जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए, तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी से ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्राइट हमारा ये कलर आ रहा है और कितना क्लीन हमारा ये ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइंस और पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद कपड़े को 48 घंटे तक आपको धोना नहीं है। 48 घंटे इसको सूखने देना है ताकि कलर हमारा पक्का हो जाए, उसके बाद आप इसे ईजी में वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, एक और पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइंस के ब्लॉक्स मिलते हैं, अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज़ के ब्लॉक मिलते हैं, बड़े बहुत बड़े ब्लॉक्स भी मिलते हैं, जिसको यूज़ करके आप बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा सूट और दुपट्टा भी तैयार कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में पूछें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।